व्हाट ऑल आई कीप इन माय बैग, जैसे मैंने आपको अपनी गाड़ी में मैं क्या क्या रखती हूँ, और मैं एक बैग जो है मेरा छोटा सा सूटकेस है विच इज लाइक अ कैबिन बैग, आई हैव मेंशन इन माय लास्ट वीडियो के मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, आई कैन नॉट डू विदाउट माई दैट कैबिन बैग. तो मैं आपको आज फाइनली बताने जा रही हूँ व्हाट आई कीप इन माय कैबिन बैग एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर मी व्हेरेवर आई ट्रैवल, व्हेरेवर आई गो, इट्स ऑलवेज देयर विद मी लाइक माय स्मॉल मिनी हाउस काइंड ऑफ अ बैग. चलो देखते हैं. तो देखिए ये है मेरा छोटा सा सूटकेस. इसके अंदर कम से कम 4-5 कंपार्टमेंट है. सो नाउ व्हेनेवर आई एम बाइंग एनी सूटकेस आई मेक श्योर दैट कि उसकी साइज छोटी कम होनी चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और बैग बहुत लाइट वेट होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल हु ट्रैवल फ्रीक्वेंटली वेरी ऑफन दे ओनली नो. ये है मेरी छोटी सी बैग. हालांकि ये लैपटॉप बैग है बट आई यूज इट एज माई लॉन्ड्री बैग. दिस इज कॉटन बैग, मेकअप रिमूवर जो मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखना पसंद करती हूँ. आई थिंक हर लड़की के पास एक्स्ट्रा जी कॉम तो होता ही है. दिस इज माई लेंस केस एंड गुलाबरी एंड हाँ मेरे विजिटिंग कार्ड्स भी रखती हूँ मैं. तो एट टाइम्स कभी अगर मुझे किसी से बात करनी होती है, अगर मुझे कॉमन कॉन्टैक्ट या मे बी मुझे अपना कॉन्टैक्ट शेयर करना होता है तो मैं नंबर नहीं देती हूँ, मैं अपने कार्ड देती हूँ. अब आते हैं मेरे बैग के अंदर. सो दिस इज द थर्ड कंपार्टमेंट. इसके अंदर रहती है सारी हेयर पिंस. हाँ इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं. योर बॉड विच इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. ये स्पॉन्ज है जिसे आप अगर पानी में भिगो दो तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है. इट्स वेरी सॉफ्ट ऑन योर स्किन. तो एट टाइम्स मुझे अगर बेबी ऑयल से अगर मेकअप निकालना हुआ तो ये इजिली वर्क कर देता है. और एक जोड़ी कपड़े इमरजेंसी में बहुत जरूरी है. एंड दिस इज द मिरर. सो ये मिरर क्यों रखा मैं आपको बता देती हूँ. ये जो मिरर है इसके जो ये आस पास में बगल में जो व्हाइट कलर की थिन लाइट दिखती है उसमें आपको दिखेगा लाइट. सो विच गिव्स यू प्रोफेशनल वैनिटी वाला फील एंड आपका मेकअप भी इजिली हो जाएगा. एंड इसमें एक सी टाइप जो पिन आता है उसके आप बैक साइड लगाओ वो लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी. यू कैन यूज दिस मिरर ऑन योर सेट विथ योर बैटरी बैक एंड यू कैन यूज दिस मिरर ऑन योर इन योर कार व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग एंड यू फील दैट कि अंधेरा है और मेकअप करना हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग. दिस इज द टॉवल प्लस इसमें मेरे इनरवेयर रहते हैं. वैक्सिंग स्ट्रिप आई एम स्टिल ओल्ड स्कूल और मुझे लगता है कि वैक्स प्रॉपरली जो पुराने जमाने का है वैसे ही करना चाहिए. रेजर नहीं मारना चाहिए बिकॉज उससे स्किन में फर्क पड़ता है. दिस इज एक्स्ट्रा अटैचमेंट जिसमें यूएसबी भी है और तीन डिफरेंट सॉकेट है. नाउ सैनिटरी नैपकिन मैं हमेशा दो तरीके की रखती हूँ. वन इज पर्सनल चॉइस एंड वन इज ऑलवेज एनीबॉडी इज इन नीड ऑफ इट यू शुड ऑलवेज हैव देम हेल्प अदर पीपल यार. एंड दिस इज माय टॉयलेटरी बैग. इज़न्ट इट क्यूट? इट्स वेरी क्यूट एंड आई लव इट. मस्ट 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 चीज है ये ड्राई शैम्पू. और ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर मैं अपनी सारी मेडिसिन रखती हूँ. अब मैं आपको बताती हूँ मेरा खजाना. ओके दीज आर द पेन्स एक्चुअली माय खजाना आई टेल यू. तो मैं हमेशा मुझे बहुत शौक है हर एक तरीके की चीजों को रखना. इसके अंदर ये ब्रश भी मिलेगा आपका, छोटी छोटी पेन्स भी मिल जाएगी जो छोटी सी डिब्बी है, और इसके अंदर आपको बड़ी बड़ी सेफ्टी पिंस भी मिल जाएगी. तो ये एक बैग है कि जब मैं बोलती हूँ कि मुझे पिंक कलर का पाउच ला दो जो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. कभी अगर शूट पे कपड़े ढीले पड़े और मुझे टाइट और प्रॉपर उसको बॉडी फिटिंग करना होता है दिस इज द ओनली पाउच विच हेल्प्स मी अलॉट. दिस इज माई हेयर पाउच. दिस इज माई वेरी वेरी पर्सनल पाउच. लाइक आई सेड कि अगर कभी मुझे बाहर जाना हो सो दिस रेड पाउच इज ओनली फॉर दैट. जिसके अंदर हेयर ब्रश है, फिर वेलक्रो है, फिर हेयर टॉपिक है, हेयर फाइबर भी कहते हैं. दैट इज बिकॉज अगर आपके बालों की गैपिंग ज्यादा हो जाती है कई बार तो स्टाइलिंग करने के लिए, पफ देने के लिए दैट्स द बेस्ट थिंग.
Now I'm not going to open this because इसमें सारे मेरे extra extensions हैं और हाँ सबसे important invisible pins जो मुझे हमेशा लगती है जब पल्लू लेना होता है या मे बी स्टाइल करना होता है या एक बाल की लट निकाल के बाकी की टाइप करनी होती है तो मैं इनविजिबल पिंस के साथ ही करती हूँ. दिस इज द पाउच जिसके अंदर सारी एक्सेसरीज रहती है मेरे बाल को सुंदर बनाने की, जो गजरा होता है फूलों का वो बनाने के लिए, टियारा होता है, वो सारी चीजें इस पाउच में रखी है. एंड दिस रेनी आईलैशेस, ये मेरे फेवरेट है. तो ये सारी चीजें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ. सो ये छोटी सी एक सूटकेस शायद बहुत बड़े बड़े काम कर दिए है मेरी पास्ट लाइफ में और इसके बगैर मैं ट्रैवल नहीं कर पाती. सो दिस इज इट, दिस इज वॉट आई फील दैट यू नो एवरी गर्ल शुड हैव हैंडी. एक ऐसा छोटा सा मिनी सा ट्रैवल होम होना चाहिए सबके पास. एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे हैक्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. बट टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लविंग मी एंड लाइकिंग ऑल द वीडियोज एंड द कॉन्टेंट दैट आई एम पुटिंग फॉर योर गाइज. थैंक यू एंड लव यू. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. न्यू व्यूवर्स जस्ट वॉन्ट से दैट लव यू ऑल.